हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं प्रोराइटिस वल्वा के बारे में, इट मींस वेजाइनल इचिंग और वेजाइना के आसपास का जो एरिया रहता है जिसको हम वल्वा बोलते हैं, वहां पर अगर किसी भी तरह की इचिंग है तो उसको प्रोराइटिस वल्वा बोलते हैं। यह बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो कि पेशेंट जब हमारी ओपीडी में आता है तो उसके साथ में आता है कि उसको बहुत ज़्यादा वेजाइनल इचिंग है या फिर वेजाइना के आसपास में इचिंग हो रही है। तो आज हम इसको डिटेल में देखेंगे कि प्रोराइटिस वल्वा क्या है, इसका इसके पीछे का कारण क्या है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, जिससे फ्यूचर में मेरी जो भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोराइटिस वल्वा, प्रोराइटिस इट मीन्स इचिंग, वल्वा जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं जो भी फीमेल जेनिटल एरिया रहता है उसको वल्वा बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी इचिंग रहती है, कोई भी यहाँ पे खुजली रहती है, इचिंग रहती है, तो उसको प्रोराइटिस वल्वा बोलते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या क्या रहता है, तो देर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड दिस। सबसे पहला वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपको किसी भी तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का अगर इन्फेक्शन है वेजाइना में, तो वो एक कारण हो सकता है इचिंग का। किस तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज है, फंगल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट वेजाइनल डिस्चार्ज। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो ये एक कारण रहता है वेजाइनल डिस्चार्ज का होना, वो एक कारण हो सकता है इचिंग। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो वो है लोकल स्किन डिजीज। अगर उस एरिया पे अगर आपको कोई भी स्किन डिजीज है, जैसे कि सोरेसिस हुआ, अगर उस तरह की स्किन डिजीज है तो वो भी एक कारण हो सकता है वहां पर इचिंग होने का। थर्ड रीजन की अगर हम बात करें तो एलर्जी का होना। एलर्जी वो किसी भी चीज से हो सकती है, जैसे कि नायलॉन के या फिर सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स होते हैं। अगर आप कॉटन के अंडरगारमेंट्स नहीं पहनते हैं, नायलॉन सिंथेटिक ये यूज करते हैं, तो उससे भी इचिंग हो सकती है और वो भी एक कारण हो सकता है इचिंग का। सेकंड अगर हम बात करें तो केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव क्रीम्स जो आते हैं, अगर वहाँ उस एरिया पर अगर आप वो क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं तो वो भी एक कारण हो सकता है एलर्जी का और उस एलर्जी की वजह से इचिंग का। नेक्स्ट अगर हम एलर्जी में ही बात करें तो वो है कॉन्डम्स। किसी किसी को ये जो कॉन्डम्स रहते हैं वो लेटेक्स के बने होते हैं और किसी किसी को लेटेक्स से एलर्जी रहती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है वेजाइनल इचिंग का या उसके आसपास के एरिया में इचिंग होने का। नेक्स्ट कारण की अगर हम बात करें तो वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी भी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो वो भी एक कारण हो सकता है इचिंग का। नेक्स्ट कॉज की बात करें तो अगर आपको कोई भी सिस्टमिक डिजीज है, इट मीन्स अगर आपको डायबिटीज है, थायराइड है, तो वो भी एक कारण रहता है वेजाइनल इचिंग का या फिर वल्वा इचिंग का। तो ये श्योर कर लें कि आपको कोई सिस्टमिक डिजीज तो नहीं है, क्योंकि वो भी एक कारण है वल्वा इचिंग का। नेक्स्ट कारण की अगर हम बात करें तो अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन, फॉलिक एसिड, इन सब की अगर कमी रहती है, डिफिशियंसी रहती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है वहाँ पर इचिंग होने का। नेक्स्ट कारण की अगर हम बात करें तो वो है नियोप्लास्टिक डिजीज। इट मीन्स जो वल्वा एरिया की वहाँ पे सेल्स हैं उसमें कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है, जिसकी वजह से वहाँ पे और डिजीज होने लगती हैं, जो कारण हो सकता है वहाँ पे इचिंग होने का। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से इचिंग हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा वहाँ पर खुजली रहती है, इचिंग रहती है, उसके साथ साथ में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, वहाँ पर जलन रहती है उस एरिया में, उसके साथ साथ में वहाँ पर रैशेज हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं जो कि पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसको जो इचिंग है वो कब ज़्यादा रहती है, सुबह के टाइम पे ज़्यादा रहती है, शाम के टाइम पे ज़्यादा रहती है, इचिंग की जो इंटेंसिटी है वो कितनी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है या थोड़ी रहती है, वो सब डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके साथ साथ में कुछ टेस्ट भी कराने ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि अगर सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से वेजाइनल इचिंग है तो उनको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जैसे कि डायबिटीज़, मेलाइटिस तो नहीं है, तो उसके लिए टेस्ट कराना जरूरी है। थायराइड की वजह से ये इचिंग तो नहीं हो रही है, तो उसके लिए टेस्ट कराने जरूरी रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा में हम इसको किससे कोरिलेट करते हैं। तो आयुर्वेद में हम प्रोराइटिस वल्वा को योनि कंडु से कोरिलेट करते हैं। योनि इट मीन्स जो वेजाइना एरिया है उसको योनि बोला जाता है, तो वहाँ पे, और कंडु मीन्स इचिंग, तो वहाँ पे अगर कोई भी इचिंग प्रेजेंट है तो उसको हम कोरिलेट करते हैं योनि कंडु से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा में क्या बताया है, किस कारण की वजह से योनि कंडु रहता है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि आयुर्वेद में जो भी डिजीज बताई गई हैं वो तीन दोष पर आधारित रहती हैं, जब उनका इम्बैलेंस होना शुरू होता है। तो इस ये जो प्रोराइटिस वल्वा है इसमें जो कफ दोष है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका इम्बैलेंस रहता है, तो उसकी वजह से
ये डिजीज होती है। तो मेनली कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती है। कफ दोष के साथ साथ में और भी दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट रहता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा एग्रेवेट हुआ दोष रहता है वो है कफ दोष। तो मेनली कफ दोष की वजह से ये डिजीज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन है जो कि इस इचिंग को कम करने में हेल्प करती है। आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो जैसे कि खदीरा रिस्ट है, हरिद्रा खंड है, चोपचिनी आदि चून है, त्रिफला गुगलू, आरोग्य वर्धनी वटी, महातिक्त कषाय, पंचतिक्त घृत, देर आर लॉट्स ऑफ मेडिसिन जो कि हेल्प करती हैं वेजाइनल इचिंग को कम करने में। बट कोई भी मेडिसिन अपने आप से ना लें बिल्कुल भी विदाउट अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि आपको वो इचिंग किस वजह से हो रही है वो आप रूल आउट नहीं कर पाएंगे। तो यही एडवाइस है कि डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन सिर्फ यूट्यूब पर देख के ना लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आयुर्वेदा में बहुत सारे प्रोसीजर भी किए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस इचिंग को कम करने के लिए। उसमें सबसे पहला है योनि प्रक्षालन, जिसको वेजाइनल डूशिंग भी बोलते हैं। मेडिकेटेड कषाय रहता है जिससे जो वो एरिया है वहाँ पे उसको वॉश किया जाता है, तो वो हेल्प करता है वहाँ पे अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको कम करने के लिए। सेकेंड प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो वो है योनि धूपन। योनि धूपन इट मीन्स इसमें मेडिसिन का स्मोक रहता है, इसमें मेडिकेटेड स्मोक से वहाँ की इचिंग को कम किया जाता है। मेडिकेटेड स्मोक जो रहता है वो वहाँ के इन्फेक्शन को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो वो है योनि लेप। बहुत सारी मेडिसिन रहती हैं जो कि लोकली वहाँ पे उस एरिया पे अप्लाई की जाती हैं जो हेल्प करती हैं इस इचिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो वो है अफगाह। अफगाह हम कंपेयर कर सकते हैं जैसे कि सिट्स बात होते हैं, तो उसमें भी सेम यही चीज़ रहती है कि बहुत सारी मेडिसिन रहती हैं, उसका कषाय बनाया जाता है और उसके अंदर पेशेंट्स को बैठने के लिए बोला जाता है। जैसे कि सिट्स बात हम गर्म पानी का लेते हैं तो गर्म पानी करके उसके अंदर बैठते हैं, तो उसी तरह से वो मेडिकेटेड वाटर रहता है, उसमें 20 to 30 minutes पेशेंट को बैठना रहता है जो कि हेल्प करता है उस इचिंग को कम करने के लिए। अभी आगे मैं बताऊंगी जो कि आप घर पर ट्राई कर सकते हैं और जो कि हेल्प करता है इस इचिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत सारे ऑइंटमेंट्स भी आते हैं जो कि हेल्प करते हैं इस इचिंग को कम करने के लिए। जैसे कि गंधक मलहर है, अगर हम उसको लोकली अप्लाई करेंगे तो वो भी हेल्प करता है इचिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें महातिक्त घृत है, अगर उसको भी हम लोकली अप्लाई करेंगे तो वो भी हेल्प करता है इस इचिंग को कम करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम इस इचिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लोकल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एवरी टाइम व्हेन यू आर गोइंग फॉर वॉशरूम यू हैव टू क्लीन दैट एरिया विथ ओनली वाटर, सिर्फ पानी से उस एरिया को साफ करना है। सोप वगैरह उस एरिया पे नहीं लगाना है। सोप वगैरह उस एरिया पे लगाने की वजह से जो वेजाइनल पीएच है वो चेंज हो जाता है और वहाँ पे जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया है उनकी जगह जो अनहेल्दी बैक्टीरिया है वो ग्रो करने लगते हैं, तो वो एक कारण बन सकता है वेजाइनल डिस्चार्ज का। और जब ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा वहाँ पे, तो वो एक कारण हो सकता है इचिंग का। तो उस जगह पे सोप बिल्कुल भी नहीं यूज़ करें, सिर्फ खाली जो सिंपल पानी रहता है उस सिंपल पानी से वहाँ पे वॉश करें जब भी आप वॉशरूम के लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनें और उन अंडरगारमेंट्स को हमेशा धूप में सुखाएं। कभी भी अपने अंडरगारमेंट्स को छांव में बिल्कुल भी ना सुखाएं। धूप में सुखाने की वजह से जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन वो सब रहता है वो सब वहाँ से चला जाता है। और अगर आपको ऑलरेडी वेजाइनल ईचिंग हो रही है तो जो आपके अंडरगारमेंट्स हैं उनको हमेशा आयरन करने के बाद में पहने, तो हेल्प करेगा जो ईचिंग है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेजाइनल एरिया पे कोई भी स्प्रे वगैरह का यूज़ ना करें, क्योंकि अगेन वो वेजाइनल पीएच जो है उसको चेंज कर देता है, तो अवॉइड यूजिंग वेजाइनल स्प्रे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको वेजाइनल ईचिंग या फिर उसके आसपास में ईचिंग हो रही है तो आपको किन चीज़ों का अवॉइड करना है। तो बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें ना खाएं कुछ टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा तीखा ऑयली स्पाइसी इन फूड को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि घर पे आप इस इचिंग को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप घर पे क्या चीज़ ट्राई कर सकते हैं और उससे आप इस इचिंग को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको त्रिफला पाउडर लेना है। 2 चम्मच त्रिफला पाउडर को 1 लीटर पानी में बॉईल करना है, धीमी आंच पे उसको बॉईल करना है। बॉईल जब हो जाए तब उसको फिल्टर कर लेना है, फिर उस पानी को हाफ बकेट पानी में ऐड कर देना है। और वो हाफ बकेट पानी भी जो पानी है वो आपका गर्म रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, इतना गर्म कि आप उसमें बैठ पाए। उस पानी को आप टब में कर लीजिएगा और उस टब के अंदर आपको 20 से 30 मिनट बैठना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग रह रही है तो ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, 2 बार सिट्स बाथ ले सकते हैं इस तरह का। और बहुत ज़्यादा इचिंग नहीं है तो दिन में 1 बार भी काफ़ी है। ऐसा ही आपको 5 से 7 दिन तक लगातार करना है, तो ये हेल्प करेगा आपकी इचिंग को कम करने के लिए।
इसके बावजूद भी अगर इचिंग कम नहीं हो रही है तो टेक अ प्रॉपर कंसल्टेशन। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्रोराइटिस वल्वा क्या है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं और आयुर्वेद में इसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों का, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।